and welcome back to my channel. Mera naam hai Bhagyashri and today I am going to react to a podcast. ये वीडियो है ऑफ कोर्स शाबीर जाफरी की तरफ से. इसके पार्ट वन पे मैंने पहले रिएक्ट किया था एंड आई हैड आस्क्ड यू गाइस इफ यू वांट टू सी रिएक्शन ऑन पार्ट टू ऑफ इट एंड यू गाइस वांटेड इट. सो फाइनली टुडे आई एम गोइंग टू वॉच पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो. दिस इज द गेस्ट हियर इज इरफान जुनेजो एंड हियर दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम आई थिंक पर्सनल स्टफ बिकॉज टाइटल में ही हिज मैरिड लाइफ पे लिखा हुआ है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. ओरिजिनल लिंक इज इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन सो मेक श्योर यू चेक इट आउट एंड नाउ लेट्स बिगिन. गुड बॉय. एक्चुअली लाइक द सेटअप ऑफ दिस. If you want to take me back on the journey of how it all started, what inspired you to make videos? I just made this promise to myself ke maine itna mere paas itna mehenga camera hai. I just bought a new lens. Main ye paise waste nahi hone dunga. So you kept making videos for the sake of not wasting money basically. Yeah. That was yeah. the pushing yeah. force. Yeah. It's a Twitter question. I don't know why anyone would ask this. Apart from Shabir, who's your inspiration? My inspiration apart from Shabir is Casey Neistat. This is an interesting question. Imagine you are on a big boat. A big whale comes and it just body slams the boat. Breaks the boat in half. बहुत सारे लोग थे, सारे लोग मर जाते हैं. एक लाइफ बोट आपको दूर नजर आती है. आप भागे भागे उस लाइफ बोट की तरफ जाते हैं. भाग रहे भाग रहे भाग रहे. जैसे लाइफ बोट पे पहुंचते हैं वहाँ ऑलरेडी एक इंसान लाइफ बोट के अंदर. उस इंसान का नाम है वकार सका. What would you do? मैं बोलूंगा वकार भाई अभी लड़ाई बड़ाई साइड पे रखते हैं, अभी जिंदगी बचानी है उसके पास. आई मीन मुझे कोई ऐसा कोई ग्रज नहीं है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बोट में ही बैठूंगा. अच्छा जी इरफान भाई, सो रिसेंटली माशाल्लाह यू गॉट मैरिड. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैन. You are a very thank lucky you. Human being because your wife is, alhamdulillah, very beautiful. Thank you. Where did you meet her? Yaar, I met her. Meri ek dost thi. She's her cousin. To main unse apni wife ki badi behan ki shaadi mein mila. Hey, hello, bhai. Kya chal raha hai? Main dobara bola. Aapki ek cousin dost thi. Meri ek dost hai. Achha. I have a friend. Okay. उसकी कजन की शादी थी एंड आई वाज इनवाइटेड. उसकी कजन की शादी पे आप अपनी दोस्त की कजन की शादी पे थे, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? हाँ, और जो शादी पे मैं गया, जो कजन थी उसकी छोटी बहन इज नाउ माय वाइफ. अच्छा, उस कजन की छोटी बहन इज नाउ योर वाइफ. तो आप शादी पे मिले थे जी. नॉटी बॉय. अच्छा, यानी आप आंखें खुली रखी दी हुई थी आपने शादी पे. इरफान भाई. अच्छा. एंड देखते ही पहले यानी कि लव एट फर्स्ट साइट था या थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नंबर एक्सचेंज किए फिर बातें शुरू होना शुरू हुई? यार मेरा तो लव एट फर्स्ट साइट ही था. लेकिन मैंने बड़ा मेहनत की भाई, मैंने बहुत पापड़ बेले. अच्छा. अच्छा, यानी फुल वो जो देसियों की तरह आप लग गए पीछे बस. नहीं नहीं, मैंने पहले तो बातचीत शुरू की आराम से. उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी है, फ्रेंडली है, हम्बल है. उसके बाद जब थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग सीरियस ना, तो मैंने बोला कि भाई देखो मैं तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ. अब कोई टिपिकल अगर लड़की होती तो बोलती तुम्हारा दिमाग सही है, तुम अगर मेरे घर आते हो रिश्ते की बात करने तो क्या बोलूँ मैं घर? वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं. बट शी सेड कि तुम्हारा शौक है और तो मैंने देखा है तुम्हारा काम और आई थिंक तुम बहुत अच्छा करोगे इसमें, तुम करो. ये किसने बोला? ये मेरी वाइफ ने. आपकी वाइफ ने? ओके. हाँ जी. और ये तो छोटी सी बात है, अगर तुम बोलते ना मुझे बैटमैन बनना है, ये डायलॉग मुझे याद है, अगर तुम बोलते ना मुझे बैटमैन बनना है तो मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारा केप लेके खड़ी होती. मैंने बोला बस शादी तो अब इसी से होती. That's beautiful. That's real beautiful support.
आई लव दैट, दिस इज अमेजिंग. अच्छा नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जो सास ससुर हैं उन्होंने भी इसी तरह आपको एक्सेप्ट किया था वीडियोस के मामले में, या उनकी तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे ये रिश्ता प्रोसेस में कोई भी मसला नहीं हुआ. और अच्छी बात ये हुई कि उनकी जिस मोहल्ले में वो रहते हैं, मेरा जो ससुराल है वहाँ पे सारे बच्चे मेरे फैन तो उनके घर आते जाते वो बच्चे बोलते रहते हैं कि आंटी इरफान जो आएंगे तो हमें बताइएगा, आंटी इरफान हमने देखा है वो आपके घर आते हैं. तो वो पहले से ही हो गया था. अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड यू नो शी इज द वन, लेकिन वो मैं काट रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बैटमैन वाली बात फिर से सुना देंगे. इरफान भाई, वेयर डिड यू और वेयर यू डिडंट गो टू योर हनीमून येट, यू आर सेइंग यू आर गोना गो टू योर हनीमून. Yeah. Where are you planning on going? Yeah. यार कोई अभी decided नहीं है. I have a valid Turkish visa. I have a valid UK visa. I have a valid Schengen visa. मेरी priority मुझे जाना है Iceland sooner or later. लेकिन अभी देखें क्योंकि मैं अकेले मेरी तो चलेगी नहीं ज़्यादा. तो आप लोग पता है आप लोग कनाडा आ गए हनीमून के लिए, बेस्ट प्लेस मैं आप लोग को बताऊंगा, नायग्रा फॉल्स है, यहाँ पे पानी गिरता है, इतना मजा आता है ना. ओए होए होए, वीजा लगा तो जरूर आएंगे. आर यू प्लानिंग ऑन व्लॉगिंग योर हनीमून, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी और माइट बी वेटिंग फॉर दैट व्लॉग. यार आई हैव अ लॉट ऑफ फुटेज फ्रॉम माय वेडिंग प्रिपरेशन, शादी की तैयारी वाला, लेकिन शादी के दौरान मैंने कैमरा उठाया भी नहीं. एज फार एज माई हनीमून गोज, हनीमून पे आई विल बी टेकिंग माई कैमरा लॉन्ग, लेकिन आई डोंट नो, मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ. हाउ मेनी किड्स डू यू हैव यू गाइस डिसाइडेड ऑन? और अभी तो सोचा नहीं है हमने, देखें. वकार भाई कह रहा हूँ, सॉरी इरफान भाई, ये इंटेंशनली था. That's funny. अच्छा लड़ाइयाँ होती हैं? वो तो होती होंगी, सभी की होती हैं कभी कभी. लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कोई नथिंग मेजर अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तो उसमें आप तो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप इंसान है, तो यानी कि मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि गिव अप कौन कर रहा है पहले लड़ाई के अंदर. नहीं भाई मैं ही मनाता हूँ हर दफ, मैं ही मनाता. वही बस देखे ना, ये शरीफ आदमी दुनिया में मरता ही मरता है. और इरफान भाई पता है क्या मजे की मैं बात बताता हूँ, ये जो मेरी टीम है इनको नहीं पता, इरफान भाई बार बार राइट साइड पे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि खतरा आसपास है. मुझे लग रहा है कि इरफान भाई किसी को पता नहीं लगना चाहिए. मेरी वाइफ बराबर में बैठी हुई है, वो किताब पढ़ रही, तो कुछ नहीं, तारीफ हो रही है. I don't know that. I can't see again. You have a poker face, so you have to tell me. Yeah, are you a romantic person? Are you a romantic type of person? Yaar, am I romantic? Nahi. Jo aapko sabse credible source se maine bata diya. Next question. If you ask her and you let me know what she says, what is the most romantic thing you've done for her? What is the most romantic thing that I've done for you? इतना सोचना पड़ रहा है, यही जवाब हो जाना चाहिए. शादी की है एक तो. क्या भाई? वाह भाई, सुन मैं ये सवाल काट दूंगा, फिक्र नहीं कर. बस सही है, सही है. Oh my god, this is like I'm actually crying. अच्छा, this is my last question to you, okay? And this is like the, all of this was the tip of the iceberg, all of these questions. Yeah. Now I'm going to ask you the iceberg. Yeah. There's a zombie apocalypse in the world. Yeah. Okay, zombie apocalypse ho gaya. Sabko kha rahe hain, maar rahe hain, mar rahe hain. Ghar mein aapke do log hain. Aapki ammi aur aapki wife. Aapne ek ko bachana hai, aap kisko utha ke bhagenge? Main koshish karunga ki dono ko utha ke bhagunga. Ab zombies ko jo pasand aa gaya. Good one, Irfan bhai. Round of applause for Irfan bhai. Very good answers, Irfan bhai. Thank you so much for joining us on the podcast. Those were all the questions I had, and you absolutely nailed each and every single question. I just want to thank you for coming to the podcast. You're somebody who is the future of content in Pakistan. Inshallah, hopefully, I will get many opportunities to collaborate with you, and you would not reject
me. Yeah, definitely. Hopefully, I will work with you, inshallah, very soon. You have last 30 seconds to say whatever you want to say to your audience. Yaar, I maybe 30 seconds se zyada le sakta hu main. Le. I started YouTube because sabse pehle to I wanted to make stuff. Mujhe shauk tha ki I will make something. Ye camera rakha nahi rahega. Iska main kuch kaam karunga. Dusra, I got into it because I thought I'd be making a lot of money. Suna tha maine ki YouTube se bahut paise bante hain. Wo galat fehmi thi meri. लेकिन जब फेम आना शुरू हुई ना तो मुझसे फेम हैंडल ही नहीं हुई और मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि हाउ टू हैंडल फेम. फेम का एक लेवल वो था व्हेन पीपल स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन माय लाइफ. आपके भाई बहन कितने हैं, आपका स्टार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो मुझे थोड़ा ना वो अजीब लगा कि यार आप क्यों जानना चाहते हैं, पता नहीं. उसके बाद सही, आई गॉट यूज्ड टू इट एंड नाउ माई शादी आई डिड नॉट मेक एनी स्टोरीज और एनी पोस्ट और एनी थिंग क्योंकि आई एम नॉट आई डोंट वॉन्ट टू शेयर दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ. बट आप सिर्फ सर्च करें इरफान जो ने जो शादी एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ वीडियो स्टोरीज कर लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड एंड शेयर एंड एवरी थिंग. तो देन आई शेयर्ड अ पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम कि अगर लोगों ने ढूंढना ही है तो आई शुड कंट्रोल व्हाट दे आर सीइंग. तो मुझसे ये चीज़ हैंडल नहीं होती और my only goal is to get to a million subscribers. After a million subscribers, YouTube might not be the topmost priority in my life. I might look for other options, other avenues, direction, filmmaking. I don't know how to handle fame. I have never been able to handle fame. Money, I really like. So that's what I want to say, कि अगर आप YouTube में आते हैं तो ये ज़रूर सोच के आइएगा कि वो बात सुनी होगी आपने कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. मुझे पहली दफ़ा जब सिग्नल पे किसी ने पहचाना था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी. अब अगर मैं जा रहा हूँ, आई एम विद माय मदर, विद माय फैमिली, विद माय वाइफ, और गाड़ी के अंदर से कोई वो स्टोरी बना के जा रहा है तो मेरी बहुत हटती कि भाई टेक अ डे ऑफ, अभी नहीं हूँ मैं यूट्यूबर. क्योंकि आप बहुत प्राइवेट टाइप इंसान है ना, आप इंट्रोवर्ट हैं और आप प्राइवेट भी हैं, सो दैट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. आई थिंक यू डोंट लाइक द फेम एज मच एज यू वुड पोर्ट्रे इट. आई रियली लाइक रिकग्निशन, आई रियली लाइक द रिस्पेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो फेम है ना, समटाइम्स यू स्टार्ट, आई मीन आई एम श्योर यू कैन रिलेट, कि समटाइम्स यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ ज़ू एनिमल. Yeah, I mean, last time I remember I came to Pakistan, I did a meet and greet in one of the malls, and the mall was shut down. They had to close the mall because that's how many people there were. And that was my first ever realization that, yaar, I matter to a lot of people. Because yahan pe to pata hi nahi lagta. Yahan pe to hum log malls mein ghoom rahe hote hain, maybe ekka dukka log aa jayenge, hello hi bol denge. Because yahan pe itna nahi hai. Lekin Pakistan mein it's like a polar opposite, 180 degree difference hai. Wahan pe to sab aapko jante hain. So I can imagine you guys live in Pakistan, being a Pakistani, recognized in Pakistani. I can imagine it can get sometimes it can get hectic. But again, Irfan bhai, there are perks and pros and cons in this thing. The pro is that fame is also something that gives you a lot of happiness, but when you get too much, it's I'm really happy. मेरे जितने भी materialistic मेरी ख्वाहिशात थी वो सब मैंने YouTube से पूरी कर ली हैं. आई गॉट माई ड्रीम बाइक, आई गॉट अ रियली नाइस कार अभी कुछ दिन पहले, आई गॉट मैरिड और पूरा खर्चा मैंने उठाया था. तो दैट इज समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यूट्यूब. लेकिन फिर उसके कुछ नुकसान भी हैं. एनीवेज, That was deep. मच्छर पाकिस्तान पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान. मच्छर भी इरफान में ऐसे स्टाइल सेट आते हैं ना, तुम लोग को क्या पता तुम कैसे मारती हो मच्छर इरफान भाई. No, thank you so much for your time, for all your honest answers. Thank you so much for opening up about your marriage, because since you are a private guy, thank you so much for giving me the opportunity to ask you all of these questions. I truly enjoyed asking you all these questions, and thank you so much for coming to the podcast, Irfan bhai, once again. No problem. Thank you for having me. I had a great time. Thank you very much, Irfan bhai, and you have a wonderful day. Inshallah, in Pakistan, I'll see you very soon. Inshallah. Inshallah. Take care, Irfan bhai. Allah Hafiz. There you go, ladies and gentlemen.
that was a podcast with Irfan Janejo. Hopefully you enjoyed it. If you did, make sure to give this video a huge thumbs up and make sure to subscribe to this channel. If you want to see more podcasts like these and you want to see more content like this, daily vlogs, make sure that you hit. I was personally waiting for this one for a very, very long time. Like in beech mein na baaki sare bahut sare videos aa gaye the and those were kind of relevant to that period. Isliye ye video aage postpone hota gaya. But now that I have watched it, I really enjoyed it. Aur main isme zyada kuch bolne nahi wali hu because I think most of my reaction was going on during watching the video because I was talking and my face could tell most of the things. So I don't have a lot to say. I know by now that Irfan Janejo is a very private person and he doesn't like to share a lot of his private life, which is completely fair, which is completely normal. Because after being on the internet for so much, I mean, by now he has over a million subscribers. And to be that recognized and to be itna popular, it is exhausting. It is of course great. Who doesn't love fame? But somewhere it is exhausting. And so I completely understand that he likes to keep it private. But at the same time, as a fan, I also have the curiosity to know what is going on. I know that I'm not entitled, I don't have the right to know, but still, as a fan, I am curious to know. So I get dono taraf se how it is, and I like how he tries to maintain a balance, because it is very difficult for people, especially the introverted people, for them to, you know, have this kind of balance, because I think उनके बेजर बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाता है ये. सो स्टिल ही डज अ ग्रेट जॉब एट इट एंड हिज कमबैक्स, हिज आंसर्स आर एपिक. वॉच दिस वीडियो अगेन, यू विल एंजॉय इट. ओरिजिनल लिंक इज इन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, सो गो राइट अवे एंड एंजॉय द वीडियो. एंड अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो आई थिंक उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख रही हूँ, सो चेक दैट आउट एज वेल. इट वॉज अ वेरी फन वीडियो, आई लव्ड इट एंड आई एम श्योर यू विल एज वेल. एंड इफ यू एंजॉयड माई वीडियो देन मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस वीडियोज फ्रॉम मी. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय.